एक ओर शासन प्रशासन ग्रामीणों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई तरह की योजनाएं संचालित कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत के कर्मचारी ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए शासन से मिलने वाले पैसों पर नजर टिकाए बैठे हैं। ऐसा एक मामला राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत उत्पुरिया के रंजीतपुरा में सामने आया, जहां पर तत्कालीन सचिव कनीराम कुशवाहा पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि पंचायत सचिव के चल रहे निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किया गया है, बात चाहे सीसी रोड की हो या फिर शौचालय की हो। मामले को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत रंजीतपुरा में 15वां वित्त की राशि से गांव में 5 लाख की लागत से सीसी हारंजा में निर्माण कार्य कराया जाना था, जिसकी स्वीकृति 28 अक्टूबर 2021 में मिली थी, लेकिन उक्त निर्माण कार्य को लेकर तत्कालीन पंचायत सचिव कनीराम कुशवाहा ने 3,83,000 रुपए की राशि पंचायत के खाते से सीसी खरंजा के नाम से फर्जी बिल लगाकर निकाली गई, लेकिन अभी तक कोई भी निर्माण कार्य धरातल पर नहीं दिखाई दिया, जो कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शिकायत भी ग्रामीण सुरेश नागर ने 181 सीएम हेल्पलाइन और जिला पंचायत सीओ प्रीति यादव को लिखित आवेदन देकर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उक्त मामले में अधिकारियों ने किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, पंचायत सचिव कनीराम कुशवाहा ने सीसी खरंजा के नाम से एपीयू के माध्यम से रामनारायण लहुवंशी नामक व्यक्ति के खाते में फर्जी बिल लगाकर 4,53,000 रुपए की राशि डाली गई। यह भी एक जांच का विषय है, जबकि शासकीय कार्य में जीएसटी बिलों पर भुगतान किया जाता है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो इस अभियान के अंतर्गत पंचायत में बनाए गए शौचालय में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर ग्राम पंचायत उदयपुरिया के रंजीतपुरा गांव में करीब 30 शौचालय का निर्माण कागजों में दर्शाया गया है और उनका 12,000 प्रति शौचालय के हिसाब से 3,60,000 रुपए निकाले गए हैं। तो वहीं जब इस मामले की जांच की गई तो हितग्राहियों के नाम से पंचायत के सरपंच सचिव ने 12,000 रुपए शौचालय के नाम पर निकाले गए। आपको बता दें कि ऐसे ही कई घोटालों को लेकर राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने 21 पंचायत सचिवों को निलंबित किया है। बावजूद इसके जनपद पंचायत सीओ ने इतने बड़े घोटालों में त्वरित कार्रवाई न करना संदेहास्पद बताया। अब देखना दिलचस्प होगा कि भ्रष्टाचार करने वाले पंचायत के सचिव, रोजगार सहायक, सरपंच पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। सीसी खरंजे का और पुलिया का था उस तत्कालीन समय में, शौचालय का आप नया मुद्दा बता रहे हैं, उसमें सीसी खरंजे की जांच करा ली गई थी, पुलिया की जांच करा ली गई थी, प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और प्रतिवेदन के आधार पर आगामी कार्रवाई प्रस्तुत की गई है। तत्काल मेरे संज्ञान में नहीं है, कुछ देर में शाखा से मैं आवेदन लेकर के उसको बता पाऊंगा।